नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर का निर्माण अब साकार होने जा रहा है, जिसके लिए अब समाज के हर वर्ग से सहयोग लिया जाएगा। तो वहीं धर्म मर्यादा चरित्र संस्कार के स्वरूप भगवान श्री राम के इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण रूप से मकर संक्रांति से आरंभ होगा और माघ पूर्णिमा तक चलेगा, जिसके चलते अब प्रत्येक घर से सहयोग लिया जाएगा। तो वहीं प्रभु राम के काज से हर व्यक्ति को जुड़ने का सौभाग्य भी मिलेगा। तो बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि राम मंदिर गौरव और अस्मिता का मंदिर है, इसके लिए दशकों से लोगों का अब स्वप्न पूरा होने जा रहा है। चंदे के लिए हम किसी को नहीं कह रहे, भगवान के घर बनाने में अगर आपका रुचि है तो पहले भगवान के घर बनाने का इतिहास समझ लो। हम किसी से चंदा नहीं मांग रहे, भगवान को मांगने की जरूरत नहीं है किसी से। अभियान कब से चलाया जा रहा है? मकर संक्रांति से जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे। तो लोग कैसे देंगे चंदा इसमें? स्वेच्छा से। सर कोई अकाउंट डिटेल वगैरह कैसे? स्वेच्छा से देंगे और जो देंगे उसके बदले में हम कुछ ना कुछ उन्हें कूपन देंगे, रसीद देंगे। सर क्या लंबा अमाउंट अगर कोई देता है कैश की सुविधा के माध्यम से तो क्या उसका चंदा? रसीद देंगे। और बैंक अकाउंट हमने अखबारों में प्रेषित किए हैं, लोग डायरेक्ट भी दे सकते हैं। कैश की सुविधा के लिए भी कुछ मानक तय किए गए हैं क्या कि कितना कैश दे सकते हैं? जो इनकम टैक्स एक्ट में आएगा, इनकम टैक्स एक्ट जितना अलाउ करेगा उतना कैश, वो उसके नाम से जाएगा, उसको इनकम टैक्स पूछेगा। कोरोना के खौफ के बीच अब टीकाकरण अभियान का आगाज जल्द ही किया जाएगा, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग दिए जाने का कार्य अब शुरू कर दिया गया है। तो बता दें कि जनवरी 2021 से टीकाकरण का पहला चरण शुरू होगा। तो वहीं अब इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां जोरों पर हैं। कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन होना है उसके लिए जो है आज प्लानिंग यूनिट से जो है वो हमने अधीक्षकों को, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स को, डाटा एंट्री ऑपरेटर को बुलाया है और उनको वैक्सीन के रखरखाव, ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड चेन मेंटेनेंस से लगाए तो कैसे वैक्सीनेशन होगा, किस तरीके से वेटिंग रूम, वैक्सीनेशन रूम, ऑब्जर्वेशन रूम का कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से वो अपने यहाँ इन स्थान को चिन्हित करेंगे, किस तरह से वैक्सीनेटर्स को अपने अधीन जो उनके हैं उनको ट्रेन करेंगे, इन बायोमेडिकल वेस्ट के मैनेजमेंट के संबंध में इन सारी चीज़ों को विस्तार से जो है वो यहाँ पर उनको ब्रीफ किया जा रहा है ताकि वो अपनी यूनिट पर जाके अपने अधीन कार्यरत जो भी उनके वैक्सीनेटर्स हैं, जो उनकी टीम है, जो कमरों का चिन्हांकन है, ये सारी चीज़ें जो है वो सुनिश्चित कर पाए। कब्रिस्तान और शमशान घाट की जमीन पर भूमाफियाओं ने देर रात खुदाई का काम शुरू करवा दिया, तो उस खुदाई के चलते ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला, जिसके चलते अब लोगों ने यहां शव को दफनाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। तो साथ ही मांग की कि भूमाफियाओं से कब्रिस्तान की जमीन जब तक वापस नहीं मिल जाती तब तक यहां कोई शव दफन नहीं किया जाएगा। तो मामला नेपारापुर कोतवाली क्षेत्र का है, जिसमें पुलिस ने मामले में भी संज्ञान लिया है। रायबरेली में नहर विभाग की बड़ी लापरवाही किसानों पर भारी पड़ रही है। यहां भदोकर गांव में जहां नहर कटने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई, तो अनुमानित 200 बीघा खेती यहां नहर से डूब गई है, जिसके चलते किसानों में खासा रोष है। तो वहीं फसल पूरी तरह बर्बाद है, तो नहर विभाग के कर्मियों की इस लापरवाही पर अब ग्रामीण कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या मामला है, आज पूरे जो इलाका जलमग्न हो गया? अरे इलाका का भैया एक बार खतरा आवे, चार दिन तीन दिन नहीं भाई, बंद है बधाई, उसके बाद फिर वही जगह कट गया। कोई आया कि नहीं मौके पे? जेसीबी से खुदाई की जाती, जितने कुआ हाल जाए ठीक से सफाई नहीं हुआ, तो जहाँ दर्रा रात हुआ बाहर बढ़ के चला जा, ठीक से सफाई नहीं हुआ। कोई आया? अरे आवा का नहर नहीं बंद बाबा, तो वही रहा पूरा बाबा। तुम्हें मामला ये है कि सब सब किसान जो है ना सैकड़ों बीघा जमीन डूब गई, अब बेचारे किसान क्या खाएंगे। कोई आया नहर विभाग की तरफ से, नहर बंद हुआ कि नहीं? नहर अभी तो जो है ना नहीं आया कोई, आज दिन नहर कहीं ना कहीं दो चार जगह कटी ही रहती है और चार बिसवा जमीन सिर्फ हमारे पास है, सारी गेहूँ सड़ गया भी।
सारा गेहूँ सड़ गया। आज जो पानी भरा है, इसके पहले भी पूर्व में नहर कटा था क्या? हाँ, इसके पहले कम से कम 8-10 मीटर नहर कटा था जी। और किसी को अगर फोन करो भैया नहर बंधवा दो तो कोई आने के लिए तैयार नहीं होता। चौरसिया से कहा जाता है भैया नहर कटा, तो कहता है कि जय के यहाँ हैंडल रखा भैया काहे से बांधा जाए। इसी तरह की आए दिन हुआ करती घटना। देखो लोगों घर में सारा पानी घुस गया, बताओ लोग कहाँ रहे। 250 बीघे अभी जमीन सड़ चुकी, सारा गेहूँ, एक भी गेहूँ नहीं जामा। बलिया में खाद्य विभाग की टीम ने किराना दुकानदारों के यहाँ छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया, तो फूड इंस्पेक्टर द्वारा मिलावट के संदेह में सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ छापेमार कार्रवाई अंजाम हुई, जिसमें दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस दौरान कई प्रतिष्ठित दुकानदारों के यहाँ घी और तेल का सैंपल भरा गया, तो जाँच कर कार्रवाई की बात को कहा गया। आज तेल और घी के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 2 घी के प्रतिष्ठान और 2 तेल के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी हुई और कुल 7 नमूने तेल और घी के संग्रहित किए गए हैं, जो जांच हेतु भेजे जाएंगे और जैसी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार इन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जाएगी। सर, किस संदेह पे मतलब ये अभियान चलाया गया? ये तेल और घी में मिलावट के संदेह पर अभियान चलाया गया था सिटी मजिस्ट्रेट साहब के निर्देशन में। मुरादाबाद मझोला पुलिस ने हरियाणा से अवैध शराब लाकर बिहार में सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, तो उनके पास से हरियाणा मार्ग का शराब को बरामद किया है, जिसमें गैंग का सरगना अभी भी फरार है। बता दें कि पुलिस ने सूचना के आधार पर यहां इस कार्रवाई को अंजाम दिया, तो मझोला में पुलिस ने छापा मारकर ट्रक से भारी मात्रा में छुपा कर लाई जा रही शराब को बरामद किया। साथ ही 2 लोगों को भी यहां पुलिस ने दबोचा है, तो इनका अभी सरगना पुलिस की पहुंच से दूर है, जिसकी तलाश जारी है। 0.5 पाकौड़ा पे मुखबिरों की सूचना पे खबर मिली कि एक ट्रक है जिसमें परचून और कुछ पाइप के सामान और मेडिकल के सामान रखे हुए, उसके अंदर जो है हरियाणा माका की शराब जो है तस्करी करके जो है उसको ले जाया जा रहा है। फिर जो हमारी टीम थी, थाने की टीम, और इन्होंने बहुत अच्छा काम करते हुए उस ट्रक को रुकवाया, और ट्रक को रुकवा करके जब उसमें उसका सामान रिलोड किया गया, निकाला गया उसमें से, तो उसमें जो है हरियाणा के पौवे मिले, 437 पेटी जो है पौवे थे, तो मतलब पेटियाँ थी, जिसमें लगभग 21,800 के आसपास जो पौवे भरे हुए थे, इसकी कीमत लगभग जो है 17,48,000 के आसपास बैठती है। तो इसको पकड़ा गया और जब इसमें पूछताछ की गई, तो जो उसका ट्रक ड्राइवर था जिसका नाम था शाने आलम और सावेज, 2 व्यक्ति इसमें थे, और ये लोग काम करते थे एहसान नईम और वाहिद नाम के व्यक्तियों के लिए। इनका कहना था कि लोग हरियाणा से शराब को इस तरह से छुपा करके लेके जाते हैं, और बिहार में क्योंकि जहाँ पर शराबबंदी है तो लीगली शराब वहाँ बिकती नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह के सामानों में छुपा करके लोग वहाँ पर ले जाकर शराब भेजा करते थे। लगभग कितना टाइम से लोग काजी कर रहे थे कुछ जान? अभी तक जो इनसे पूछताछ किया गया है, तो इनका कहना है कि हमने पहली बार ऐसा किया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, ये जो है शराब के, मुझे लगता है कि व्यस्त होंगे इस तरह के काम करने के लिए लोग। इनसे पूछताछ की गई है अच्छे से, बाकी जो इनका जो सरगना है एहसान और नहीं, जब तक ये नहीं पकड़े जाएंगे तब तक पूरा खुलासा नहीं होगा। सर, आपराधिक इतिहास इनका? इन दोनों का अभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, जो अभी तक जो पकड़े गए हैं, बाकी लोग अगर पकड़े जाते हैं तो उनका जो है पूछताछ देखा जाएगा। बांदा के बबेरू के सिमौनी धाम में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह के साथ केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्री मौनी धाम पहुंचे, तो वहीं महाराज अब्दूत जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया और प्रसाद ग्रहण कर मेले का भ्रमण भी किया। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी अब्दूत जी महाराज के साथ मेले में हो रही रामलीला के मंच पर भी पहुंचे, तो उन्होंने भजन गाकर दर्शकों का यह मन मोह लिया। महात्मा जी के चरणों में सुख मिलती है, शांति मिलता है जी। आज इसलिए दर्शन करने आए थे जी, राज्य के अंदर और राज्य के अंदर हम लोगों को आशीर्वाद दे और सरकार को आशीर्वाद दे, खुशहाल रह रहा सभी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव 24।